नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से चित्रा मुद्गल के उपन्यास एक जमीन अपनी पर बातें करने जा रही हूँ। आप तो जानते हैं एक जमीन अपनी चित्रा मुद्गल के बहुचर्चित उपन्यास है। उपन्यास का अवलोकन करने के लिए उसकी जो कथानक और शिल्पपरक विशेषताओं की चर्चा करना अनिवार्य है। प्रस्तुत उपन्यास के केंद्र में अंकिता और नीता है। वे दोनों जो है विज्ञापन जगत में काम करने वाली युवतियां हैं। विज्ञापन जगत की मायावादी दुनिया में देह व्यापार से ऊपर उठकर क्रियात्मक क्षमता की पहचान अर्जित करने के लिए स्त्री द्वारा किए जाने वाले संघर्ष की गाथा है यह उपन्यास। आकार की दृष्टि से बड़े होने पर भी इसकी कथा अत्यंत रोचक एवं मार्मिक है। वर्तमान समय में नारी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का चित्रण करके उपन्यास को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करने का प्रयास लेखिका ने किया है। तो पात्रों की संख्या तो अधिक है, फिर भी हर एक पात्र को अत्यंत हृदयहारी ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश लेखिका ने की है। और हर एक पात्र हमारे हृदय को भाने वाले पात्र हैं। पात्रों के अनुकूल उन्होंने संवादों का चयन किया है और वातावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पात्रों के स्तर और विचार के अनुकूल रोचक एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है। उपन्यास का जो नामकरण जो है वो भी प्रभावित करने लायक है, साथ ही साथ कथ्य के अनुकूल भी है यह नाम। आधुनिक युग में विज्ञापन जगत ने अपना अस्तित्व कायम रखने का प्रयत्न करने वाली अंकिता और ग्लैमर की दुनिया में अपना ठिकाना खोकर आत्महत्या करने वाली नीता दोनों के माध्यम से व्यावसायिक उपभोगवादी संस्कृति में नारी शोषण के नए नए आयामों की ओर इशारा करना ही लेखिका का उद्देश्य है। तो इसके जो कथासार इस प्रकार है कि नीता जो है अंकिता की सहेली है, दोनों मुंबई के फिल्म रस एजेंसी में काम करती हैं। अंकिता होनहार युवती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के संघर्ष उसे हमेशा सताते रहते थे। अंकिता ने खुद अपने पति के रूप में सुधांशु को चुना था। माँ पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी। मुश्किल से 3 साल ही दोनों एक साथ रह सके। सुधांशु अंकिता को अपने में सीमित रखना चाहते थे। उन्हें कोई खुली हवा पानी नहीं देना चाहते थे। उन्हें स्वतंत्रता से सोचने और जीवन बिताने का अवसर भी नहीं देते थे। सुधांशु के इस निरंकुश बर्ताव के कारण उनका संबंध तो टूट गया। फिल्म रस के कर्मचारी मेहता अंकिता का अच्छा दोस्त था। मेहता कभी कभी अंकिता के कामों में सहायता देना चाहता था, लेकिन यह अंकिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी बीच अंकिता को ऑब्जर्वेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम का प्रस्ताव आया। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकारा। माँ के ऑपरेशन के सिलसिले में अंकिता 20-25 दिन के लिए अपना घर इंदौर चली जाती है। कुछ दिन बाद वो घर से मुंबई आ जाती है। अंकिता मैथ्यू से मिलना चाह रही थी, परंतु मैथ्यू ने मिलने से इनकार कर दिया। अंकिता को पता चलता है कि नीता ने उसके बारे में मैथ्यू से झूठ बोला कि इंदौर से जल्दी वापस नहीं आएगी वो। इस बहाने मैथ्यू उसे दफ्तर से निकालना चाहता है। उसको नीता जैसी एक चुस्त लड़की की जरूरत है, अंकिता जैसी चुई मुई की नहीं। नीता पूर्णा नामक एक नई एजेंसी में काम करने लगती है। उसने विज्ञापन की पहली शो में अंकिता को आमंत्रित करती है। अंकिता को नीता का मॉडलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शॉप पर अंकिता के अध खुले वस्त्र व्यवहार देखकर
अंकिता चकित होती है और शो पूर्ण होने के पहले वहां से चली जाती है। शो में भोजराज से अंकिता की मुलाकात होती है। भोजराज एक नया कार्यालय खोलना चाहता था। उसने अंकिता के सामने मुख्य कर्मचारी होने का प्रस्ताव रखा। अंकिता ने उसे स्वीकार किया। शो पूर्ण होने के बाद सबों ने नीता की प्रशंसा की, मात्र अंकिता वहां नहीं थी। अगले दिन नीता अंकिता के घर पहुंच जाती है और उसके सामने अपनी शिकायत प्रस्तुत करती है। पहले तो अंकिता निरुत्तर रह गई, बाद में उत्तर देने को बाध्य हो जाती है। स्त्री स्वतंत्रता के बारे में दोनों के विचारों में टकराहट भी होने लगती है। कुछ दिन बाद अंकिता की माँ की मृत्यु होती है। चिदा जलने से पहले ही उधर बंटवारे के बारे में निर्णय लेने के लिए घर के सभी लोग ललायद रहे। अंकिता यह सह नहीं सकी। उसने कुछ नहीं लिया, सब कुछ घरवालों को दे दिया। वहां सुधांशु भी आता है और उसने अंकिता से मिलना भी चाहा। अंकिता से उनकी मुलाकात भी हो जाता है। फिर एक बार हरिंद्र के घर में सुधांशु और अंकिता की भेंट होती है। सुधांशु दोबारा अपने जीवन में उसे आमंत्रित करता है, लेकिन अंकिता साफ इनकार करती है। नीता तो उन दिनों पूर्णा के निदेशक सुधीर गुप्ता के साथ रहने लगी। नीता विज्ञापन जगत में अडिग रहने के लिए अपना सब कुछ सुधीर गुप्ता को समर्पित करती है। विज्ञापन में यौवन शोषण का वर्चस्व बढ़ता है। नीता यौवन शोषण का शिकार बन जाती है। वह एक बच्ची को जन्म देती है। नीता अब सुधीर गुप्ता से बातें तक करना नहीं चाहती, क्योंकि उसने केवल अपनी कामुकता की पूर्ति के लिए नीता का इस्तेमाल किया था। नीता पूर्णा से अलग हो जाती है। अंकिता ने अपने विज्ञापन के मॉडल के रूप में नीता को चुनती है। अंकिता के खिलाफ मिस्टर मैथ्यू अनेक शिकायतें प्रस्तुत करता है। इन आरोपों से पीड़ित अंकिता अपना त्यागपत्र देती है, लेकिन भोजराज उसे स्वीकार नहीं करता। कुछ दिन बाद अंकिता को फोन आया कि नीता ने नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। अंकिता तुरंत नीता के पास पहुंचती है। नीता को बचाने में डॉक्टर असफल होता है। नीता इस जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए विदा लेकर चल बसती है। वो अपनी वसीयत में अपनी पूरी संपत्ति बेटी मानसी के नाम कर दिया था। नीता ने बच्ची और संपत्ति की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अंकिता को सौंप दी गई। वसीयत में नीता ने अपनी आखिरी ख्वाहिश भी व्यक्त की कि अंकिता अपनी बच्ची को कानूनन गोद ले ले तो उसे असीम प्रसन्नता होगी और उसकी ममता की गोद में मानसी अपने अस्तित्व की तलाश पूरी कर सकेगी। अंकिता नीता की बेटी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। यही इस उपन्यास की जो कथानक है, इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। आइए देखेंगे समस्याएं क्या क्या हैं। एक जमीन अपनी विज्ञापन जगत को विषय बनाने वाला हिंदी का पहला उपन्यास है। यह उपन्यास विज्ञापन जगत से जुड़ी हुई दो औरतें नीता और अंकिता के जीवन की गाथा है। उपन्यास में लेखिका ने वर्तमान समय की समस्याओं का अंकन किया है। विज्ञापन जगत में फैले नारी शोषण ही उपन्यास की प्रमुख समस्या है। उपन्यास में आदि से अंत तक यह समस्या मौजूद है। व्यावसायिक उपभोगवादी संस्कृति में नारी केवल भोग की चीज बन गई है। दाम्पत्य जीवन में ही नहीं, दफ्तर और समाज में उन्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी को अपने में सीमित रखना चाहता है, लेकिन अंकिता पति के इस निरंकुश प्रवृत्ति पर दमित नहीं होती है। आधुनिक नारी स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। इसी समस्या का खुला दस्तावेज प्रस्तुत करती है अंकिता। अंकिता
आधुनिक नारी का प्रतिरूप है। विज्ञापन जगत में ही नहीं अन्य सभी कार्यालयों में नारी अपनी कार्य कुशलता प्रकट करती है तो पुरुष वर्ग उसे सहन नहीं करते। इसी का स्पष्ट बयान इस उपन्यास से मिलता है। अंकिता की कार्य कुशलता का फायदा उठाने के बाद मैथ्यू उसे दफ्तर से निकाल देता है। जब वह माध्यम नामक संस्था को प्रगति पद पर ले लेती तो उसके खिलाफ अनेक शिकायतें उठने लगती है। इस प्रकार के संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ने पर भी वह अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को कभी नहीं भूल बैठती। इस उपन्यास का और एक नारी पात्र है नीता। नीता के माध्यम से व्यावसायिक उपभोगवादी संस्कृति को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयत्न किया है। पुरुष वर्ग तो अपनी कामुकता की पूर्ति के लिए और स्वार्थ तात्पर्य के लिए स्त्री का इस्तेमाल करते हैं। नीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह तो इस दुनिया में मर्द के समान रहना चाहती है, पर सुधीर के लिए नीता एक फिल्म मात्र थी। सुधीर ने नीता के सौंदर्य का खूब इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया है। उपन्यास में महानगरीय जीवन में स्त्री के संघर्ष की समस्या, गहरे पीड़ा बोध, संजीदगी और कलात्मक संयम के साथ प्रस्तुत की गई है। विज्ञापन जगत की अंतरंग समस्याओं का जीवंत प्रमाण है यह उपन्यास। इसमें एक और पारिवारिक संस्कारों से ऊर्जस्वित उपन्यास की नायिका अंकिता की समस्या है तो दूसरी ओर विज्ञापन की चकाचौंध भरी दुनिया में आशा निराशा झेलती अपनी मादक देह के तिलस्म में उलझी नीता की। उपन्यास की और एक उल्लेखनीय समस्या है नारी स्वतंत्रता की चटपटाहट। नारी आखिर किस तरह की स्वतंत्रता के लिए युद्धरत है? उसे समाज से और पुरुष वर्ग के शोषण से मुक्त होना आवश्यक है। उपन्यास में स्त्री के संघर्ष को उकेरते हुए यह चेतावनी भी मुखर होती है कि नारी मुक्ति के भ्रामक प्रलोभनों में स्वाधीनता की तलाश करती स्त्री कहीं मात्र भोग्या बनकर न रह जाए। नारी को उचित जमीन और समाज प्राप्त होने चाहिए। ऐसे जमीन और समाज उसे कभी नहीं मिलते। उपन्यास में स्त्री मुक्ति के कुछ बहुत साफ अर्थ निकलते दिखाई पड़ते हैं और चित्रा मुद्गल ने स्त्री स्वतंत्रता को एक ऐसा भटकीला, चालू और रसीला बनाने में रुचि नहीं ली कि उसे महज सेक्स स्वातंत्र या स्वच्छंद यौनाचार में अवमूल्यित कर दिया हो। जैसा कि हम बहुत ही बड़बोली क्रांतिकारी मुद्राओं वाली लेखिकाओं में देखते हैं। टूटे पारिवारिक संबंधों का चित्रण इसकी और एक समस्या है। इसमें अंकिता सुधांशु तथा नीता सुधीर गुप्ता के टूटते संबंधों का चित्रण अत्यंत गहनता से किया है। अंकिता को मां की मृत्यु के बाद परिवार से अलग करने का प्रयत्न भाई और भाभी करते हैं। जब तक उनकी मां रही तब तक यह भाईचारे का रिश्ता मौजूद था। मां की चिदा के जलते ही घर वाले बंटवारे के बारे में सोचते हैं। अंकिता और नीता के माध्यम से टूटे पारिवारिक संबंधों की समस्याओं का चित्रण अत्यंत यथार्थ परक है। उपन्यास की और एक उल्लेखनीय समस्या उत्तर आधुनिक व्यावसायिक संस्कृति में मूल्यबोध, संस्कार एवं सभ्यता के पतन की है। नीता तो सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध ही लड़ना चाहती है, पर अपने को खोकर वह अपनी बच्ची के लिए पिता तक नहीं चाहती। वह स्वच्छंद जीती है, अपनी माँ को साथ रखना वो पसंद नहीं करती। दफ्तर में 12 के पहले वो आती भी नहीं। वो तो विज्ञापन जगत में अपने नाम का बड़प्पन चाहती है। नाम पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे वो मॉडलिंग का मार्ग स्वीकारती है। वो तो मर्द के समान जीना चाहती है, लेकिन मूल्यबोध की क्षति के कारण असफल हो जाती है। उपन्यास में नारी को उपभोग वस्तु के समान दिखाया है। इसके अधिकांश पात्र ऐसे विचार रखने वाले हैं। सुधांशु ने भी यही कहा कि नारी के पास इस देह के सिवाय और कुछ नहीं है। उस देह के लिए नारी को घर में पालने पोसने की आवश्यकता नहीं है।
अवरुद्ध को उत्पादन से मुक्ति दिलाने के नाम पर उसे प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और इतनी खूबसूरती से कर रहा है कि औरत उसे समझा नहीं पा रही है। पुरुष की जांघिया बेच रहे हैं तो उसमें भी लड़की की जरूरत पड़ती है। इन सब का दबाव आज इतना बढ़ गया कि उन समस्याओं को चित्रा जी ने इस उपन्यास के माध्यम से दर्शाया है। महिला फ्रीलांसरों को जिन जिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है यह भी एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है। उपन्यास की इस समस्या के बारे में चित्रा जी ने एक भेंट वार्ता में यों कहा है, जब मैंने यह जानना चाहा कि महिला रचनाकार का संघर्ष किस रूप में पुरुष रचनाकार से भिन्न है, तो मैंने पुरुष के कार्यक्षेत्र, उसके सामाजिक दायित्व की विभिन्नता की तलाश की, लिहाजा मैंने इस उपन्यास के पात्र अंकिता और नीता का सहारा लिया। मसलन नीता अपने स्त्री होने के कारण इस यात्रा को सुगम बनाती है, जबकि अंकिता के लिए यह सबसे बड़ी बाधा है। इन सबके साथ आधुनिकता के रुंचन में आने वाली पीढ़ी को जिन विकट नियति का सामना करना पड़ता है, इसका प्रमाण है मानसी। चाहे मानसी को लेखिका ने अंकिता के हाथों सौंपकर बचाई हो, परंतु कितने ही बच्चे समाज के सड़े कूड़े कचरे में फंसकर तड़प रहे हैं। इस उपन्यास की समस्या के बारे में बलराम जी का कथन भी ठीक है कि एक जमीन अपनी उपन्यास नारीवादी विचार से युक्त है। इसमें चित्रा जी ने विज्ञापन जगत में नारी के सामने उपस्थित चुनौतियों को दर्शाया है। इस प्रकार अनेक समस्याओं को एक साथ पिरोने का प्रयास लेखिका ने किया है और एक वीडियो में इसके जो शिल्प पक्ष को लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।